वेलकम। आज हम बात करेंगे, जब हम पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो हमारे घर तक पहुंचने में कभी समय लग जाता है या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये सब कैसे चेक करेंगे इसके बारे में। तो इसके लिए गूगल पे आप सर्च करेंगे पैन कार्ड स्टेटस, या फिर आप NSDL पैन कार्ड सर्च भी कर सकते हैं। तो जैसे पैन स्टेटस अभी हम सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं आप स्टेटस ट्रैक सर्च पैन। अगर आपका NSDL से है तो फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, अगर UTA से है तो सेकंड लिंक पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट NSDL पैन स्टेटस भी सर्च कर सकते हैं। तो ये सीधा लिंक वही खुलेगा और यहाँ पे फर्स्ट लिंक वही मिलेगा। जब इसे खोलेंगे तो यहाँ एप्लीकेशन टैब में देख रहे हैं न्यू चेंज रिक्वेस्ट, इस पर आपको जाना है। अब नीचे देख रहे हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर मांग रहा है, तो हम एक एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये रिसिप्ट आप देख रहे हैं, ये हुआ एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो इस नंबर को आपको उसमें डालना है, तो हम डालते हैं और एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल करके यहाँ पे हम कैप्चा डाल देते हैं और कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं जो ये रिसिप्ट नंबर हो गया, और ये नाम इंडिविजुअल है, पेन नंबर इसका जनरेट है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है पेन हैज़ बीन एलोटेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, योर पैन कार्ड इज अंडर प्रोसेस NSDL एंड विल बी डिस्पैच टू योर शॉर्टली। इसे जल्द ही डिस्पैच किया जाएगा, अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ है। लेकिन अब हम आपको दूसरा पर्ची एक दिखाते हैं जो पैन कार्ड बन के डिस्पैच हो चुका है। एक दूसरा पर्ची हम एक खोल रहे हैं, ये देखिए दूसरा पर्ची, और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर को यहाँ से हम कॉपी कर लिए। फिर से हम गूगल पे आ गए हैं, पैन चेंज रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और एक्नॉलेजमेंट डाल के कैप्चा डाल के और सर्च कर देंगे, सबमिट करेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं सारा कुछ दे दिया है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं योर पैन कार्ड हैज़ बीन डिस्पैच ऑन 14 फरवरी 2022 बाय रजिस्टर्ड एक्सप्रेस पोस्ट, वाइड एयरवे बिल नंबर दिया हुआ है। ये हो गया बिल नंबर, आपको इस बिल को आपको कॉपी कर लेना है और न्यू टैब लेकर के यहाँ पे आप इंडिया पोस्ट सर्च कर देंगे। तो इंडिया पोस्ट जब सर्च करेंगे तो आपको यहाँ ये लिंक देख रहे हैं ट्रैक वाला, इस पे जाना है। तो इस पे जब जाएंगे तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे एक नंबर वही बिल नंबर आपको यहाँ पे डालना है और नीचे कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ये पैन कार्ड कब चला है वहाँ पे और कहाँ तक पहुँचा है, ये डेट बाय डेट दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इसमें चेक कर सकते हैं हमारा पैन कार्ड कहाँ तक पहुँचा है, नहीं पहुँचा है। अगर किसी तरह का त्रुटि होता है तो, मतलब इससे पहले जो ट्रैक किए थे आप, तो वहाँ पे आपको बता देता जो मतलब किस तरह का परेशानी है। तो इस तरह से आप चेक कर लेते हैं। लेकिन अभी भी देखिए, ये पैन कार्ड का डिलीवरी लोकेशन है मधेपुरा, लेकिन यहाँ अभी बड़ौनी तक ही ये पैन कार्ड पहुँचा है। तो हम एक और रिसिप्ट आपको दिखाते हैं, हम फिर से दूसरा रिसिप्ट एक खोल के दिखाते हैं जो पैन कार्ड कंफर्म घर तक पहुँच चुका है। तो हम उस रिसिप्ट को एक बार खोलते हैं, जैसे कुछ जनवरी का 17 तारीख को ले लेते हैं। ये रिसिप्ट नंबर ये हो गया, हम इसे फिर से कॉपी करके वहाँ ले जाते हैं और स्टेटस चेक करते हैं। हम फिर से पैन स्टेटस में एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल करके कैप्चा डाल करके सबमिट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये बिल नंबर हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिए, कैप्चा डाल दिए और सर्च किए। अब यहाँ पे देखिए जो ये 25 जनवरी को चला था और आइटम डिलीवरी कंफर्म लिख दिया, जो एग्जैक्ट लोकेशन था पहुँचने का, वहाँ पे आइटम डिस्पैच आइटम डिलीवरी कंफर्म हो गया है। इसे सौगढ़ पहुंचना था, मधेपुरा के सौगढ़, वो पहुंच चुका है। लेकिन जब पहले वाला पे हम चेक करते हैं तो ये बड़ौनी तक ही था, तो आइटम डिस्पैच ही लिखा रहा था, और जब पहुंच गया तो आइटम डिलीवरी कंफर्म लिखा गया। अगर आपका अगर ये कंफर्म लिख दिया अगर नहीं पहुँचा है, तो आपको इस पेज को आपको प्रिंट एक निकाल लेना है और पोस्ट ऑफिस जाएंगे, उसको दिखाएंगे, तो वहाँ से आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ये 25 जनवरी को वहाँ से चला था और 14 फरवरी को पहुँच चुका है, तो 15 से 20 रोज़ का समय लगता है और पहुँच जाता है। इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।